तो रिकॉन्ग पे पार करने के बाद अब जो रास्ते हैं वो क्लिफ हैंगर सेक्शंस वाले ज़्यादा आएंगे। ये रास्ते काफ़ी सुंदर लगते हैं लेकिन मौसम ख़राब होने पे बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, और ये कितने ख़तरनाक होते हैं ये आपको हमारे इस सीरीज़ के आखिरी वीडियो में पता चलेगा जब हम वापस आएंगे। बर्फ़ के पहाड़ों के नीचे आ गए हम, जो तो बहुत दूर से दिख रहे थे ना बर्फ़ के पहाड़, बिल्कुल वहाँ आ गए हम लोग। और ये देखो बंजर पहाड़, बिल्कुल जैसे स्पीति में होता है ना बंजर पहाड़, और नीचे सतलुज बह रही है। पहुँच गए हम लोग बर्फ के पहाड़ तक। ये बर्फ के पहाड़ आ चुके हैं, हम रिकॉम्पिक से आगे निकल गए थे, सिलो जगह है वहाँ आ गए। यहाँ वैली चेंज हो गई है, बड़े बड़े जंगल टाइप आ गए और बर्फ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। चलते हैं यहाँ से। अब ऊपर क्या हो रहा है भाई? तो ये आप देख सकते हो कि पहाड़ बाहर को निकले हुए हैं रोड के ऊपर, तो इन्हें कहते हैं क्लिफ हैंगर सेक्शंस। तो इनमें से क्या है, पत्थर टूट टूट के नीचे गिरते हैं, जब बारिश होती है तो पत्थर टूटते हैं और काफ़ी गाड़ी को नुकसान हो सकता है इससे। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये रास्ते पे बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है। रोड बहुत अच्छी बनी हुई है और ये क्लिफ हैंगर सेक्शन और सामने बर्फ़ के पहाड़ों की वजह से एक अजीब सा 3D सा इफेक्ट महसूस हो रहा है आँखों को। ये आँखों के लिए पैरेलेक्स बन रहा है। ये रास्ते काफ़ी शांत भी हैं क्योंकि इन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है। अभी हम लोग नाको से 50 किलोमीटर दूर रह गए और ये वैली स्टार्ट हो गई, बंजर पहाड़ है बिल्कुल, और यहाँ से पत्थर गिरते हैं, मतलब थोड़ा पहाड़ से दूर रहना पड़ेगा। पीछे पीछे पानी ऊपर से पहाड़ से आ रहा है ना, तो उसको नेचुरल स्प्रिंग बना दी है इसकी, मतलब पाइप लगा के। हमने अपनी बाइक को बाइक धोना अलाउड नहीं है, मतलब मना किया गया कार और बाइक धोने को, मतलब पत्थर वत्थर गिरते हैं इस वजह से। लेकिन हम लोगों को क्या हुआ था, हमारे ब्रेक पैड गर्म हो गए थे, तो ब्रेक पैड्स को ठंडा करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल दिया बॉटल्स लेके, और यहाँ से निकलते हैं अब नाको के लिए। देखते हैं नाको से ताबो पहुँच पाएंगे कि नहीं, ताबो पे स्टे करने का ट्राई करेंगे, देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बारिश या तूफान में ये पहाड़ खिसक जाते हैं और पूरी की पूरी रोड को ख़त्म कर देते हैं, तो आपको कहीं कहीं ये पैचेस दिख सकते हैं, लेकिन जो BRO है वो इस रोड को ठीक कर देती है काफ़ी जल्दी। आपको ये पूरे रास्ते पे या फिर ये जो जितने भी बॉर्डर वाली रोड है ना, इस पे हमेशा आपको BRO काम करती हुई दिखेगी। हमेशा कोई भी अगर रोड में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी जल्दी ये लोग क्लियर कर देते हैं रोड को। हेड्स ऑफ टू BRO। यार ये व्यू, ये कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, ये व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है आँखों से, तो मतलब इतना सुंदर है कि बादल और बर्फ़ के पहाड़, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको सही में। पीछे पहाड़ है पूरे, पूरा एक माउंटेन की जो होती है माउंटेन रीजन दिख रही है, पूरी बर्फ़ से भरी, बहुत प्यारा, मतलब ये बहुत प्यारा स्पॉट है फ़ोटो खींचने के लिए। ये रोपा वैली है ना, रोपा वैली का जो कट था वहाँ, वो लेफ्ट के लिए था और स्पीति के लिए राइट था, तो हम लोग स्पीति के लिए राइट मुड़े तो सामने देखेगा आपको पहाड़ पूरे। अपनी बाइक पहुँच ही गई स्पीति आखिरकार बिना किसी प्रॉब्लम के। बिल्कुल हम पहाड़ों के सामने आ चुके हैं, ये देख रहे बर्फ़ के पहाड़।
LOC, तो हम बिल्कुल बॉर्डर के पास चल रहे हैं, चाइना इंडिया बॉर्डर के पास। पीछे है पू का पू विलेज, ये ऊपर जाएंगे तो पू पहुंच जाएंगे। हम लोग सीधा जा रहे हैं नाको की तरफ। यहाँ पहुंच के जो कल्चर चेंज होगा ना, ये जो पिंक रंग के आप पेड़ देख रहे हो, ब्लॉसम ट्रीज, और ये जो घर बने हुए पहाड़ पे लटके हुए बिल्कुल, ये मैं वापस आऊँगा एक बार और इनको वापस एक बार अच्छे से एक्सपीरियंस करूँगा। तो पू के बाद ये ब्रिज के पास आपको स्पिति रिवर और सतलुज रिवर का संगम दिखेगा, और आपको आँखों से वो देख सकते हो क्योंकि दोनों के कलर बहुत अलग हैं। तो इस जगह को कहते हैं खाब संगम। यहाँ से इंडिया तिब्बत बॉर्डर जो शिपकिला पास है, वहाँ का रास्ता भी यहीं से निकलता है, और जो कि अभी बंद है नॉन रेसिडेंट्स के लिए। और यहीं से अब हम लोग नाको के लिए चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अगले कुछ वीडियोस में आपको रियल जो स्पीति वैली का फील है वो आपको महसूस होगा। हम लोग नाको, ताबो और काजा को एक्सप्लोर करेंगे।